वक्त की बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां पर डीआरयूसीसी मेंबर कृपाल जोगीना हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुलदीप जोगीना समेत 5 आरोपियों को पुलिस पकड़ कर लाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव इस मामले का खुलासा करेंगे, अभी आरोपियों से इंटेरोगेशन कर रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। कुलदीप जोगीना समेत 5 आरोपियों को पुलिस पकड़ कर लाई है, पूछताछ इनसे जारी है, पुलिस की इंटेरोगेशन चल रही है। रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव इस मामले का खुलासा करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी देवेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बड़ा खुलासा पुलिस की ओर से किया जाएगा, गिरफ्तारी आरोपियों की हो चुकी है, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डीआरयूसी मेंबर और बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं कृपाल जोगीना, जिनकी हत्या हुई थी 4 तारीख की रात को, उस पूरे मामले में जो आरोपी है कुलदीप जोगीना सहित 5 लोगों को पुलिस लेकर आई है। पुलिस उनसे इंट्रोगेशन कर रही है। रेंज आईजी है गौरव श्रीवास्तव पूरे मामले का खुलासा करेंगे। एसपीओ कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस तरह की जानकारी पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली है। और बड़ा अपडेट है क्योंकि 7 दिन पूरे वारदात को है, 7 दिन के अंदर ही करीब करीब पुलिस ने 8 से अधिक आरोपियों को, इसमें 10 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें 7 से 8 आरोपियों को पुलिस ने नामजद कर गिरफ्तार कर लिया। 3 को पहले गिरफ्तार कर चुकी है, 5 को अब गिरफ्तार करके लाने की बात सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। और पूरे मामले घटनाक्रम के पीछे क्या मोटिव था, कौन कौन लोग शामिल थे, किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, किन वाहनों का इस्तेमाल किया गया, क्या वजह रही, क्या कौन कौन लोगों ने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, वो सारा खुलासा जो रेंज आईजी है गौरव श्रीवास्तव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने करेंगे। जी शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव आपसे कुछ देर में इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। आरोपी को गिरफ्तारी कर ली गई, पूछताछ इनसे अब लगातार इस मामले में पुलिस की जारी है। और बड़ी